कल 8 तारीख को ये सूचना मिला था कि जो जरगड़ा गांव के सफेदजटिया पहाड़ में माओ नितेश का दस्ता के कुछ लोग छुपा हुआ है कुछ घटना को अंजाम देने के लिए, तो इसी के सत्यापन में अनुमंडल पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी हुसैनाबाद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था जिसमें हुसैनाबाद थाना प्रभारी और लटिया पिकेट प्रभारी भी मौजूद थे और साथ का भी हमारे जवान लोग जो थे साथ में। तो उस एरिया में वो लोग जब गए क्योंकि अंधेरा का फायदा उठा के कुछ लोग भागने में सफल रहे और भागने के क्रम में एक आदमी को जो पकड़ा गया है वो सीताराम बजवार जो अपने आप नाम बताया और वो 10 लाख झारखंड राज्य में 10 लाख का इनामी और बिहार राज्य 3 लाख का इनामी जोनल कमांडर अपने आप को बताया। तो तलाशी के क्रम में एक पर्स उनके पास से मिला जिसमें राजेंद्र सिंह जो कुछ दिन पहले बिहार माली में पकड़ा गया है उनके द्वारा लिखा गया चिट्ठी भी उसमें था उस पर्स में। और ये लगभग 65 साल का है और बेसिकली इनका जन्म यहाँ हैदरनगर थाना अंतर्गत हुआ है लेकिन बचपन में ही इनका पूरा परिवार जो है एनटीपीसी थाना औरंगाबाद में शिफ्ट हो गया है। कितने कांड है कुल और क्या क्या? इनके खिलाफ 51 कांड दर्ज है और कुछ महत्वपूर्ण घटना जिसमें पुलिस और सुरक्षा बलों को काफी नुकसान पहुंचा है ऐसी घटनाओं में भी ये शामिल है। जैसे 2001 में माली थाना जो औरंगाबाद के माली थाना के से हथियार लूटने के और उसके बाद 6 पुलिस वालों को मारने वाले और काला पहाड़ में जो 2016 में पुलिस बलों के खिलाफ जो आईईडी ब्लास्ट हुआ था, 2009 में विधानसभा के चुनाव के द्वारा दौरान पोलिंग पार्टीज को जो है टारगेट किया गया था, ऐसे कोई महत्वपूर्ण घटना में भी ये शामिल। कल 8 तारीख को ये सूचना मिला था कि जो जरगड़ा गांव के सफेदजटिया पहाड़ में माओ नितेश का दस्ता के कुछ लोग छुपा हुआ है कुछ घटना को अंजाम देने के लिए, तो इसी के सत्यापन में अनुमंडल पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी हुसैनाबाद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था जिसमें हुसैनाबाद थाना प्रभारी और लटिया पिकेट प्रभारी भी मौजूद थे और साथ का भी हमारे जवान लोग जो थे साथ में। तो उस एरिया में वो लोग जब गए क्योंकि अंधेरा का फायदा उठा के कुछ लोग भागने में सफल रहे और भागने के क्रम में एक आदमी को जो पकड़ा गया है वो सीताराम बजवार जो अपने आप नाम बताया और वो 10 लाख झारखंड राज्य में 10 लाख का इनामी और बिहार राज्य 3 लाख का इनामी जोनल कमांडर अपने आप को बताया। तो तलाशी के क्रम में एक पर्स उनके पास से मिला जिसमें राजेंद्र सिंह जो कुछ दिन पहले बिहार माली में पकड़ा गया है उनके द्वारा लिखा गया चिट्ठी भी उसमें था उस पर्स में। और ये लगभग 65 साल का है और बेसिकली इनका जन्म यहाँ हैदरनगर थाना अंतर्गत हुआ है लेकिन बचपन में ही इनका पूरा परिवार जो है एनटीपीसी थाना औरंगाबाद में शिफ्ट हो गया है। कितने कांड है और कुल क्या क्या? इनके खिलाफ 51 कांड दर्ज है और कुछ महत्वपूर्ण घटना जिसमें पुलिस और सुरक्षा बलों को काफी नुकसान पहुंचा है ऐसी घटनाओं में भी ये शामिल है। जैसे 2001 में माली थाना जो औरंगाबाद के माली थाना के से हथियार लूटने के और उसके बाद 6 पुलिस वालों को मारने वाले और काला पहाड़ में जो 2016 में पुलिस बलों के खिलाफ जो आईईडी ब्लास्ट हुआ था, 2009 में विधानसभा के चुनाव के द्वारा दौरान पोलिंग पार्टीज को जो है टारगेट किया गया था, ऐसे कोई महत्वपूर्ण घटना में भी ये शामिल है।